आपके लिए सेल्टोस भैया, सेल्टोस ये भैया आए हैं भैया। कौन सा वेरिएंट रहने वाला है? बेस वेरिएंट है ना? बेस वेरिएंट है, बेस XT है। अच्छा तो भाई बेस वेरिएंट है, सब कुछ जो काम यहाँ से हुआ है। एक बार मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा वो गाड़ी में सारा ही काम यहाँ से किया गया, तो पूरा वीडियो मैं शुरू करूँगा। रखे हम राखा कार और ये रहने वाली हमारी सेल्टोस। तो शुरू करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। आगे बात करते तो आगे हमारे लाइटों में यहाँ डली हमारी LED डली है 120 वॉट, और ये हमारे जो टॉप मॉडल में आते हैं फॉग लाइट उसमें भी 120 वॉट LED डली है। और आप आउटपुट देख सकते हो कितना अच्छा आउटपुट है, ये देखो आप। अभी मैं पूरी अगर आपको फ्रंट प्रोफाइल दिखाऊंगा तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ हमारे नीचे लगे सेल्टोस की ब्रांडिंग वाले आगे आप देख सकते हो। ये आगे आगे पीछे हमारी किट लगी है, जो जिसको कहते हैं हम डिफ्यूज़र। स्पोर्ट्स लुक बनाते हैं गाड़ी की, तो एक बार थोड़ा दूर से दिखाते हैं आपको। रहने वाली हमारी सेल्टोस जैसे देख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया लुक आ रही है। अगर करीब से देखो तो ये रहने वाली हमारी स्पोर्ट्स लुक। ये पीछे भी किया गया है, और बाकी हमारी लाइट्स वगैरह का आप देख रहे हो। उसके अलावा रिस्पॉन्स आप देख सकते हो, डे टाइम है शॉप के, तो देख रहे हो दुकान के अंदर तक पूरी सीधी लाइट जा रही है। अभी मैं भी थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, तो ये देख सकते हो काफ़ी ये ब्राइट लाइट है। और आप सोच सकते हो कि दिन में इतना अच्छा हमको जो इसका आउटपुट आ रहा है, तो रात को कितना मज़ा आने वाला है। उसके अलावा ये चीज़ आप देख सकते हो, DRL लगे हैं भैया। इसमें थोड़ा इंडिकेटर जो चलते हैं ना, वो चला के दिखाना। अच्छा इंडिकेटर लगवाए नहीं आपने? ओरिजिनल GT लाइन में आते नहीं इंडिकेटर। ओके 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 ठीक है। अच्छा मतलब आपने GT लाइन मॉडल बनवाया इसको, चलो तो और मज़ा आने वाला है फिर तो। क्योंकि भैया ने GT लाइन मॉडल बनाया, तो उसमें इंडिकेटर वाला फीचर होता है, बट भैया ने ऑफ करवा लिया, बिकॉज इसको GT लाइन वाली जो है लुक देनी थी। और अब हम चलते हैं, थोड़ा सा साइड प्रोफाइल दिखाते हैं, तो आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको बंद कर देता हूँ डोर्स को। ये देख सकते हो हमारे लगे हैं वॉइजर विद कार्बन फिनिशिंग वाले, क्रोम के साथ टचिंग यहाँ पे है। उसके अलावा ये रूफ रेल भी यहीं से लगवाई होगी भैया आपने, इसमें नहीं आती, तो ये देख सकते हो रूफ रेल वहीं टॉप मॉडल वाली। और ये हमारे लगे हैं, ये देख सकते हो विंडो क्रोम इसको कहते हैं, पीछे तक पूरी काफ़ी अच्छी सी कवरेज है इसमें। उसके अलावा ये हमारे हैं हैंडल्स, क्रोम वाले हैंडल रहने वाले हैं। उसके अलावा हमारे लगे आई पॉप के डोर गार्ड। अगर हम इसको खोलते हैं तो आपको पता है डोर गार्ड का बेनिफिट क्या होता है, बगल में वॉल है या गाड़ी आड़ी तो उसको स्क्रैचेस से आपके डोर को प्रोटेक्ट करना। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप ये देख सकते हो हमारे क्रोम डोर वॉइजर डोर बीडिंग लगी है, जो कि स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट करती है। एक बार साइड प्रोफाइल अगर आपको गाड़ी की दिखाऊंगा तो ये देख सकते हो इस तरह की रहने वाली हमारी साइड प्रोफाइल गाड़ी में। हाँ उसके अलावा ये देख सकते हो, क्योंकि बेस मॉडल में वाइट वाले थे ना भैया, यहाँ पे वाइट होते तो भैया ने बिल्कुल ये वो सेम करवा दिया बॉडी कलर के साथ। उसके अलावा यहाँ भी क्रोम, ये भी आपने यहीं से करवाया होगा पूरा मिरर ही टॉप मॉडल का है। अच्छा टॉप मॉडल का पूरा बनवा दिया, ये सही लग रहा है। ऑटो फोल्डिंग और गेम हो गया ना बेस मॉडल। हाँ ऑटो फोल्डिंग है, ठीक है। अभी हम एक बार करना भैया इसको ज़रा, ये देखो इसको ओपन करना भैया, ये देख लो। तो इस तरह का हुआ है हमारे गाड़ी में काम। और पीछे भी मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर ले जाने से पहले मैं आपको पीछे का काम दिखाता हूँ। तो हमारा लगा है स्पॉइलर स्पोर्ट्स लुक बनाने के लिए। उसके अलावा इधर आते हैं, डिफ्यूज़र पीछे वाला भी लगा है, आगे भी वाला भी डिफ्यूज़र, आगे पीछे की किट लगी है गाड़ी को, जैसे आप देख सकते हो स्पोर्ट्स लुक बना दिया गया है। उसके अलावा रिफ्लेक्टर तो भैया यहाँ से लगवाए होंगे आपने मैट्रिक्स वाले, इसमें इंडिकेटर चल रहे हैं ना? इंडिकेटर चल, एक बार चला के दिखाना भैया, और ब्रेक के भी दिखाना कैसे कर रहा है काम। तो ये देख लो हमारे अभी भैया ने ब्रेक अप्लाई की थी, थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ आपको। ये भैया ने इंडिकेटर चला दिया उस साइड का, ये देख सकते हो हमारे रिफ्लेक्टर्स लगे हैं। हाँ भैया ब्रेक में एक बार फिर से दिखाना, ब्रेक चलाना इसमें आप, तो ब्रेक में भी एक बार चेक कर लेंगे हम इसको। तो ये आप देख सकते हो ब्रेक अप्लाई हो गई है, ठीक है। तो इस तरह का काम हुआ है हमारी सेल्टोस में बाहर की साइड। अब हम चलते हैं अंदर की साइड, जो मैं बात कर रहा था। आते हैं तो देख सकते हो इंटीरियर बना है गाड़ी का अच्छा खासा, ये देख सकते हो यहाँ पर जो है किया गया हल्का सा लेदर पीओ का, और ये जो स्टिचिंग की गई है रेड कलर में। उसके अलावा हमारे डैशबोर्ड पर मैं देख रहा हूँ यही काम हुआ गया है, और एंड्रॉयड भी लगवाया भैया यहीं से, एंड्रॉयड लगाए हैं। ओके ठीक है। और पीछे कैमरा भी लगवाया हो भैया आपने फिर? पीछे कैमरा लगाया है ना रिवर्स वाला, तो अभी हम देखेंगे। अच्छा दिखाई दो भैया, क्लियरिटी देखो भाई बड़ी जबरदस्त क्लियरिटी आ रही है इसमें। कौन सा ब्रांड लगवाया भैया पीछे? स्मार्ट सोनिक क्लियरिटी। ओके 216 वाला, बहुत सही क्लियरिटी आ रही है इसमें। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये रहने वाले हमारे सीट कवर्स, काफ़ी अच्छे जो है बकेट फिनिशिंग के साथ जो है काम हुआ इसमें, बहुत बढ़िया काम हुआ। और ये रहने वाले हमारे 7D मैट, और नीचे हुई है फ्लोरिंग, तो काफ़ी हाँ तो काफ़ी जो गाड़ी जो मतलब काफ़ी रात तक ये गाड़ी रेडी होती रही है, और आज सुबह जा रही है गाड़ी, क्योंकि काफ़ी गाड़ी में जो है काम हुआ है। और ये आप
अच्छा क्रूज कंट्रोल भी लगा इसमें, स्टीयरिंग कवर भी देख रहा हूँ मैं स्टिच हुआ है, स्टीयरिंग कवर भी हुआ, स्टीयरिंग रैप हुआ है। तो एक बार उस साइड से आते हैं चेक कर, देखो हमारा क्रूज कंट्रोल लगा है, गेट खुला हुआ है ना, आपको अंदर बैठ के करना है। ओके थोड़ा सा मैं अंदर चलता हूँ, तो मैं बटन प्रेस करूंगा और मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्रूज कंट्रोल इसका। तो एक बार प्रेस करते हैं, ये देख लो आप, देख सकते हो हमारा शोर है क्रूज का। तो क्रूज कंट्रोल भी इसमें जो भैया ने इंस्टॉल करवाया, उसके अलावा हमारा स्टेयरिंग कवर स्टिच हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा सफाई के साथ काम हुआ है। सीट कवर नो डाउट बहुत बढ़िया बने क्योंकि हमारे टॉप मॉडल में इसी टाइप के आते हैं। ये देख लो पीछे भी, अगर हम बात करते हैं पीछे भी मैं आपको लेके जाऊंगा। उसके अलावा यहाँ भी आप देख सकते हो क्योंकि हल्का सा इंटीरियर में भी भैया ने इसमें काम करवाया है। उसके अलावा भैया स्पीकर वगैरह कौन से करवाए इसमें आपने, स्पीकर्स वगैरह कुछ कराए होंगे? स्पीकर्स ओरिजिनली लगे हुए। अच्छा स्टॉक यूज़ किया आपने? ठीक है, ये वेलकम लाइट लगवाई है, वेलकम लाइट ये आप देख सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और पीछे की साइड आते हैं तो ये देख लो आप, यहाँ पे भी ये काम हुआ है डोर्स पे। उसके अलावा ये रहने वाली हमारी सेल्टोस की वेलकम लाइट, और ये देखो हमारे सीट कवर रहने वाले इस टाइप के। इधर की भी बात करते तो इधर भी आप देख सकते हो, और 70 मैट फ्लोरिंग, और ये जो हमारा आर्मरेस्ट आता है उस पर भी ये जो है स्टिचिंग वाला काम किया गया है। ये सीट्स तो भैया टॉप मॉडल में आते हैं ना ये वाले जो? हाँ जी, जीटी लाइन में आते हैं, जीटी लाइन में इस टाइप के रेड कलर का जिसमें स्टिच वर्क होता है। और क्या डाला भैया, और क्या क्या कह रहे हो? ओके पास, एक बार डिक्की खोलना भैया। तो ये देख सकते हो हमारी पार्सल ट्रे भी, बूट मैट, ओके बूट मैट भी डाला है ये देख सकते हो। अच्छा इसमें जीटी मेंशन किया हुआ है, जीटी लाइन का बूट मैट है। अच्छा जीटी लाइन का ही बूट मैट है, बहुत बढ़िया है। तो भाई सारे मतलब एसेसरी वहीं करवा दी आपने जेन्युइन वाली। और ये जो है वो हमारे जीटी लाइन में ही ये वाला आता है, ओरिजिनल पार्सल ट्रे, ये ओरिजिनल पार्सल ट्रे। ओके तो भाई ये सारा जो है काम हुआ है गाड़ी में, काफ़ी अच्छा जो है काम हुआ है। और ये लगा कैमरा जिसकी हम बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कैमरे में, तो सारा काम हुआ है सेल्टोस में। एक बार भैया का फीडबैक जरूर लेते हैं काम का, क्या कहना है काम के बारे में। काम दिखाया, ये हमारा बन गया जीटी लाइन मॉडल है ना भैया? तो भैया जैसे आप आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, पहले भी आ चुके हो यहाँ पे? दिस इज द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है तो क्या एक्सपीरियंस है भैया काम का? आई एम वेरी हैप्पी विद राका मोटर्स एंड द सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम इज वेरी चीपर इन कंपैरिजन टू व्हाट अदर पीपल आर देयर इन द करोलबा। ओके एंड रियली वेरी हैप्पी, दे टुक टाइम बट द वर्क इज वेरी सैटिस्फैक्टरी। ओके तो व्हाट अबाउट कॉस्टिंग, कॉस्टिंग की बात करें तो क्या मतलब? आई टॉक अबाउट इट इज चीपर देन मार्केट, ओके अदर पीपल ओवर हियर अवेलेबल इन द मार्केट। बट फिर भी सर देखिए इसको सेल्टोस इन टोटल आई हैव स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 1,05,000। ओके मतलब 1,00,000 में मॉडल टू टॉप मॉडल, टॉप मॉडल जो हमारा जीटी लाइन बन गया है। और भैया अगर आप यही अगर मार्केट से परचेज करते तो क्या कॉस्ट का डिफरेंस आता है जीटी लाइन मॉडल परचेज करते बेस मॉडल से कंपेरिजन? जीटी लाइन अगर मैं बाहर से अगर मैं शोरूम से खरीदता तो अप्रोक्सीमेटली 17,000-18,000 की पड़ती है, 17,500 का। और ये आपको कितने के? अगर मैं कॉस्टिंग अपनी गाड़ी की कॉस्टिंग एंड कस्टमाइजेशन की कॉस्टिंग मिला के देखूँ तो ऑलमोस्ट मेरा 13,00,000 रुपए में मेरे को टॉप मॉडल मिला। 13,00,000 में मतलब 4,00,000 की बहुत बड़ी एक डिफरेंस होती है अगर हम बात करें तो। 2.5 लाख मैंने सेव कर लिया, 2.5 लाख में। नहीं एक्चुअली जब आप गाड़ी पे लोन लेते हो तो और ज़्यादा सेव कर लेते। जी 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 भैया बट अगर हम बात करें तो जैसे आप बता रहे हो 17,00,000 की है जीटी लाइन और ये आपको 13,00,000 की पड़ी विद ऑल मॉडिफिकेशन जो आपने कराई, तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 4,00,000 का जो है डिफरेंस जो कि बहुत मेजर डिफरेंस होता है, तो फिर तो आप काफ़ी सेटिस्फाइड हो गए काम। चलिए थैंक यू सो मच काका। भैया अगर बात करते हैं ऐसे सेल्टोस हमारे आई है जो भैया बता रहे कि उनको पूरी गाड़ी जो 13,00,000 में उनको पड़ गई है, टॉप मॉडल बन गई जीटी लाइन, जो कि मार्केट में लेने जाते हैं तो उनको 17,00,000 की पड़ती है, 4,00,000 का एक बहुत बड़ा जो है डिफरेंस उनको मिला है, 1,00,000 में सारा काम हो गया। थोड़ा सा भैया बताना कि पूरी जीटी लाइन नहीं बोल सकते, पूरी नहीं बनी मतलब क्योंकि कुछ कुछ मोटी मोटी चीज़ें रह गई थी, बट देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई थी। एक ग्रिल रह गई थी, ग्रिल लगवाई उन्होंने, एक हैंडलैम्प चेंज नहीं कराए, दो आइटम ये मेन रह गई थी, बाकी तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया था। ठीक है, तो उसके अंदर कॉस्टिंग की बात कर जाए तो हमने सीट कवर प्लस पूरा जो इंटीरियर है उसकी स्टार्टिंग प्राइस जो हमारे पास है 9,000, उसके बाद आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है कितनी लगाते हो, मैक्सिमम 17,000-18,000 तक है। ठीक है, उसमें पूरा इंटीरियर होता है, डैशबोर्ड, सीट कवर्स, साइड पिलर्स, आर्मरेस्ट, उसके बाद चारों दरवाजे, स्टेयरिंग लैंप, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। उसके बाद आ जाओ आप क्रूज कंट्रोल अगर करवाना है तो वो आपको पड़ता है 4,500 का। ओके, उसके बाद आपको ओरिजिनल किया के फॉग लाइट्स है वो पड़ते हैं 8,500 के, कॉपी लगवाओगे तो 5,500 की। ठीक है, उसके बाद पीछे आगे पीछे का जो डिफ्यूज़र है वो उसमें 3 मॉडल है, 6,500, 7,700, 8,500। उसके बाद आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम 9,500 से स्टार्ट है और 19,000 तक का अवेलेबल है। ठीक है, अलग अलग मॉडल्स है, एप्पल कारप्ले वाला है, 2GB वेरियंट है, 1GB वेरियंट है, 4GB वेरियंट है,
उसके बाद कैमरा आपका अगर अच्छी क्वालिटी में लेते हो और प्रॉपर लेते हो तो 1800 का, लोकल लेते हो तो 800-1000 बस मैक्स। मोटी मोटी यही आइटम थी, बाकी उसने हेडलैम्प में LED इंस्टॉल करी, ट्रंक मैट लगाया, पार्सल ट्रे होगी, पार्सल ट्रे ओरिजिनल लगाते हो तो 8500 की, कॉपी लगाते हो तो 4500 की। और पीछे भैया जैसे मैं देखा था, मैंने जो डिक्की में मैट डाला था पीछे, डिक्की मैट वो भी GT लाइन का था, तो वो मैट अगर डालोगे तो वो 1300 का पड़ेगा। 1300 का, ठीक है। तो बाकी और वेलकम प्लेट लगी थी उसमें, रूफ रेज लगी थी, स्पॉयलर्स लगे थे, डोर गार्निश लगी थी, साइड बिडिंग लगी थी जी, मैं सब भी अवेलेबल है। रूफ रेल 2200, स्पॉयलर 3000, डोर गार्निश 1200, साइड बिडिंग 2000, LED में 2500 से लेके 8000 तक की अवेलेबल है। 50 वोट, 70 वोट, 90 वोट, 120 वोट, कम रेंज में जाओगे तो 40 वोट भी है, ठीक है। ये सारे सब कुछ तो मतलब रेंज सारी अवेलेबल है, जो जिसका बजट है उस हिसाब से वो काम करवा सकता है, ठीक है भैया जी, थैंक यू।